उर्दू के चाहने वालों को अब्दुल रऊफ सिद्दीकी का आदाब। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। मैं शायर तो नहीं, डॉक्टर फारूक शकील के कलाम में जदीदियत नजर आती है। अपने एहसासात और जज्बात को न सिर्फ बोलचाल की सीधी सादी जबान में पेश करते हैं, बल्कि दिलनशीन बना देते हैं। शायरों के ख़ानदान से हैं, ये भी कहा जा सकता है कि उन्हें शायरी विरसे में मिली है। उनके वालिदे मोहतरम और उस्ताद थे सैयद नज़ीर अली अदील, दादा हज़रत सफ़ी औरंगाबादी, भाई शाहिद अदीली। मैंने जिन शायरों के नाम लिए हैं, इन सब का शायरों में ही नहीं असातिज़ा में भी शुमार होता है। फारूक शकील साहब 45 साल से बड़ी मेयारी शायरी कर रहे हैं और उर्दू अदब की खिदमत में हमेशा पेश रहे हैं। एक बाकमाल शायर होने के अलावा फारूक शकील एक बेहतरीन नसर निगार भी हैं। उर्दू न्यूज़पेपर मुंसिफ के अदबी एडिशन के इंचार्ज हैं। उर्दू न्यूज़पेपर सियासत में एक अदबी कॉलम लिखा करते थे, जिसका उनवान था ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे। इस कॉलम में जितने भी हैदराबाद के असातिज़ा गुजरे हैं, उनका तस्किरा और उनका कुछ चुनिंदा कलाम पेश किया करते थे, ताकि नई नस्लें वाकिफ हों इन शख्सियतों से। जमी खा गई आसमां कैसे कैसे जल्द ही एक किताब की सूरत में भी शाया होने वाला है। मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार है इस किताब का। फिर फारूक साहब ने और एक कॉलम शुरू किया, जिसका उन्वान था कल हम न होंगे, जिसमें मौजूदा शायरों का जिक्र और उनके कलाम से आशना कराया गया नौजवान नस्लों को। इनामात और एजाजात की बड़ी तवील लिस्ट है, बस चंद नाम ले रहा हूँ। उर्दू एकेडमी तेलंगाना की जानिब से कारनामे हयात अवार्ड, उर्दू एकेडमी ऑफ आंध्र प्रदेश की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से मखदूम अवार्ड। वैसे तो फारूक शकील साहब कई किताबों के मुसन्निफ हैं, उनके चंद किताबों के नाम ले रहा हूँ। सफ़र सांसों का, तनकीदात, महवरात अदील, शाख संबार। एक गज़ल सुना रहा हूँ जो उनकी किताब सफ़र सांसों का से ली गई है। दोस्ती में दिल जो टूटा दुश्मनी अच्छी लगी, दोस्ती में दिल जो टूटा दुश्मनी अच्छी लगी, रोशनी में लुट गए तो तीरगी अच्छी लगी। जिंदगी से कोई दिलचस्पी न थी हमको मगर, जिंदगी से कोई दिलचस्पी न थी हमको मगर, हादसे में बच गए तो जिंदगी अच्छी लगी। आंसुओं से रोज नहलाता है आंखों को मेरी, आंसुओं से रोज नहलाता है आंखों को मेरी, मुझको अपने गम किए दरिया दिली अच्छी लगी। देखकर ऊंचे मकानों में अमीरों के चलन, देखकर ऊंचे मकानों में अमीरों के चलन, हमको अपनी झोपड़ी में मुफलिसी अच्छी लगी, हमको अपनी झोपड़ी में मुफलिसी अच्छी लगी। खैर से उसकी जवान बेटी जो रुखसत हो गई, खैर से उसकी जवान बेटी जो रुखसत
हो गई आज बरसों बाद, उसको नींद भी अच्छी लगी। था हमारे साथ मंजिल का तसव्वुर ऐ शकील, था हमारे साथ मंजिल का तसव्वुर ऐ शकील, दोपहर की चिलचिलाती धूप भी अच्छी लगी। दोस्ती में दिल जो टूटा दुश्मनी अच्छी लगी, रोशनी में लुट गए तो तीरगी अच्छी लगी। फारूक शकील साहब के मेरे कुछ पसंदीदा शेर सुनिए। हो अनाहद में तो पहचान बना देती है, हो अनाहद में तो पहचान बना देती है, हद से बढ़ जाए तो नजरों से गिरा देती है। हो अनाहद में तो पहचान बना देती है, हद से बढ़ जाए तो नजरों से गिरा देती है। तर्क कर दिया हमने हुस्न पर गजल लिखना, तर्क कर दिया हमने हुस्न पर गजल लिखना, वक्त का तकाजा है मसलों के हल लिखना। दुनिया के रास्तों से खफा हो गया हूँ मैं, दुनिया के रास्तों से खफा हो गया हूँ मैं, खुद अपनी जात ही में सफर कर रहा हूँ मैं। फिर बहस न की हमने कभी भूल के उनसे, फिर बहस न की हमने कभी भूल के उनसे, जब हो गए जहनों पे लगे जंग से वाकिफ। एक गजल के तीन शेर सुनिए। जो भी पढ़ता है बदल जाता है किस्सा क्या है, जो भी पढ़ता है बदल जाता है किस्सा क्या है, वक्त के चेहरे पे लिखा हुआ ऐसा क्या है। एक टूटा हुआ यादों का मकान है बाकी, एक टूटा हुआ यादों का मकान है बाकी, वरना इस जिस्म के वीराने में रखा क्या है। पहले मैं खुद को थकाने का हुनर सीख तो लूं, पहले मैं खुद को थकाने का हुनर सीख तो लूं, फिर ये देखूंगा कि तकदीर में लिखा क्या है। मुझे फख्र महसूस हो रहा है ये कहते हुए, चंद हफ्तों पहले जब मैं हैदराबाद में था, डॉक्टर फारूक शकील साहब से मुलाकात करने का शर्फ हासिल हुआ। मेरे बेहद इसरार पर शकील साहब ने कुछ कलाम सुनाया, उनका मुशायरों को लूट लेने वाला तरनम सुनिए। माजरत चाहता हूँ, मैं प्रिपेयर्ड नहीं था और मैंने सिर्फ फ़ोन पर रिकॉर्ड किया। अगली जो क्लिप है उसकी रिकॉर्डिंग सही नहीं है, थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ है, माजरत चाहता हूँ। से आई सदाए हूँ मेरे दिल के दयाल से, दामन को जब छुड़ा लिया दुनिया के प्यार से, दामन को जब छुड़ा लिया दुनिया के प्यार से, उससे मतलब है मिलने लगे हैं लोग
मोहब्बत से प्यार से मिलने लगे हैं लोग मोहब्बत से प्यार से बाहर जब आ गया मैं अना के हिसार से बाहर जब आ गया मैं अना के हिसार से हमने फरेब खाए हैं हमने फरेब खाए बहुत करके तेबा हमने फरेब खाए बहुत करके तेबा अब एतबार उठ गया हर एतबार से अब एतबार उठ गया हर एतबार से लब कप कपाते हैं मेरे खामोश नीम शब लब कप कपाते हैं मेरे खामोश नीम शब आंसू कलाम करते हैं परवरदिगार से आंसू कलाम करते हैं परवरदिगार से मुझको शकील एक नया हौसला मिला मुझको शकील एक नया हौसला मिला मायूस मैं कभी ना हुआ अपनी हार से मायूस मैं कभी ना हुआ अपनी हार से एक गजल के दो शेर सुनिए चेहरे से मेरा दर्द कोई भांप रहा है चेहरे से मेरा दर्द कोई भांप रहा है खुल जाए कहीं राज ना दिल कांप रहा है क्या उससे रखूं रहनुमाई की तवक्को क्या उससे रखूं रहनुमाई की तवक्को कुछ दूर ही चलकर जो बहुत हांप रहा है कुछ दूर ही चलकर जो बहुत हांप रहा है और एक गजल के तीन शेर सुनिए अपनी अजमत को वो मिट्टी में मिला देते हैं अपनी अजमत को वो मिट्टी में मिला देते हैं करके एहसान जो एहसान जता देते हैं दिल में यादों के चिरागों को फरोजां करके दिल में यादों के चिरागों को फरोजां करके हम शबे गम के अंधेरों को सजा देते हैं दिल में यादों के चिरागों को फरोजां करके हम शबे गम के अंधेरों को सजा देते हैं हम तो हंस हंस के छुपाते हैं हर एक गम को शकील हम तो हंस हंस के छुपाते हैं हर एक गम को शकील बाज गम हैं जो हंसी में भी रुला देते हैं बास गम हैं जो हंसी में भी रुला देते हैं। और दो शेर मुलायजा फरमाइए लहू से उसकी सुर्खी छीन ली है लहू से उसकी सुर्खी छीन ली है हमारे दौर की आबो हवा ने समंदर भी
हसत करने लगा है, समंदर भी हसत करने लगा है, बहुत गहराई दी दिल को खुदा ने। और एक शेर उनका जो मुझे बेहद पसंद है, सहन में दीवार उठने ही न दी, सहन में दीवार उठने ही न दी, मैंने उसके नाम ही घर कर दिया। और एक गजल के चंद शेर, जब से माँ की दुआ मिली है मियाँ, जब से माँ की दुआ मिली है मियाँ, जिंदगानी हरी भरी है मियाँ, जिंदगानी हरी भरी है मियाँ, चंद लम्हों की रोशनी है मियाँ, चंद लम्हों की रोशनी है मियाँ, हर खुशी एक फुलझड़ी है मियाँ। है फरिश्ता न देवता कोई, है फरिश्ता न देवता कोई, आदमी सिर्फ आदमी है मियाँ, है फरिश्ता न देवता कोई, आदमी सिर्फ आदमी है मियाँ, बेगरस कोई भी नहीं इंसान, बेगरस कोई भी नहीं इंसान, जहन सबका तिजारती है मियाँ। मैं तो मुरीद हो गया फारूक शकील साहब का, उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी उतना ही मुतासिर हुए होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह शकील साहब की उम्र दराज करे और सेहत से रखे, ताकि वो अपनी अदबी खिदमात यही जोश व फरोग से अंजाम देते रहें। आज के एपिसोड की आखिरी गजल पेश कर रहा हूं, कहां से लाए कोई अब वो प्यार का लहजा, कहां से लाए कोई अब वो प्यार का लहजा, बदल गया जो जमाना बदल गया लहजा, खटक रहा है हर एक शख्स को मेरा लहजा, खटक रहा है हर एक शख्स को मेरा लहजा, मुझे दिलाएगा सच्चाई की सजा लहजा, न आ सकेगा कभी इनखिलाब लिख लीजिए, न आ सकेगा कभी इनखिलाब लिख लीजिए, रहेगा आपका जब तक डरा हुआ लहजा, रहूं जो चुप कोई अंदर से नोचता है मुझे, रहूं जो चुप कोई अंदर से नोचता है मुझे, जो बोलता हूं तो हो जाता है खरा लहजा, यकीन है कि मुझे अजनबी बना देगा, यकीन है कि मुझे अजनबी बना देगा, अना को ओढ़ के निकलेगा जब मेरा लहजा, शकील हमने दिखाए हैं जख्म अंदर के, शकील हमने दिखाए हैं जख्म अंदर के, मिला है जब कोई मरहम भरा। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अब्दुल रऊफ सिद्दीकी इजाजत चाहता है। स्टे सेफ, लव यू ऑल।